शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी शिक्षाधानी भिलाई की शैक्षणिक संस्था सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज अपने यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए प्रति सप्ताह टेस्ट श्रृंखला का आयोजन करती है, जिससे विद्यार्थियों को दिए गए शिक्षा का मूल्यांकन किया जा सके। इसी कड़ी में इस रविवार 31 मार्च को भी विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया। टेस्ट श्रृंखला के दौरान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर शुभम सकरकर पहुंचे और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के टिप्स बताए। अंचल के सबसे ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु टेस्ट श्रृंखला समय समय पर आयोजित की जाती है। साथ ही इस टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए यहां के पूर्व छात्र जो कि यहां पर अध्ययन कर चुके हैं और वर्तमान में देश के विभिन्न स्थानों में अपनी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, इसी कड़ी में इस सप्ताह की टेस्ट श्रृंखला में बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए पूर्व छात्र शुभम सकरकर विशेष रूप से शामिल हुए। विद्यार्थियों के साथ मुलाकात कर उन्होंने उनके डाउट्स भी क्लियर किए और सफलता के टिप्स बताए। तो तुम लोग शाम मतलब कि लंबा वर्कआउट मत करो, छोटा सा वर्कआउट किया करो, हार्डली 10 मिनट्स का, कि अपने पूरी 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 हार्ट बीट पढ़नी चाहिए, ये करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम लोग जो है पूरा का पूरा सिर्फ पढ़ाई लिखाई में एकदम ये हो जाते हैं, बोलते हैं कि 16 घंटा पढ़ेंगे, 20 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी 7 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, PMT क्या मैं PG के लिए भी नहीं पढ़ाऊँगा 7 घंटे से ज़्यादा, ठीक है। जितना पढ़ो सही पढ़ो, जितना दिमाग से ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना अच्छा। तो वहाँ हमको मैकेनिकल होना, हमको मैकेनिकल क्या होना, एक क्वेश्चन हुआ, चलो बना नहीं बना आगे बढ़ो, नहीं बना हम सेकेंड राउंड में बनाएंगे, हम फर्स्ट राउंड में उन सारे क्वेश्चन को बना देंगे जो हमसे इजिली बनते हैं। तो क्या होगा, हमारे ग्रुप में वो सारे क्वेश्चन है जो हम बना सकते हैं। सेकेंड राउंड लेंगे हम, तो वहां जहां थोड़ी सी किचकिच है, एनालिसिस है, थोड़ा सा सोचना है, उसको टाइम देंगे। और थर्ड राउंड में हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे हैप्पीली, जो हमारे नंबर काटेंगे। आप गलत बना के भी आ जाओगे, और कहीं पिछले बार जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने कितना अच्छा किया, बी और सी में कंफ्यूजन है हमारा, AOD तो मान लिया रिजेक्ट हो गया, बी और सी कंफ्यूज हम हो रहे हैं, हम उसको पहले छोड़े, हम जहाँ बिल्कुल परफेक्ट है उसको लेके बढ़ते। तत्पश्चात उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उन्होंने पुरस्कृत भी किया। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि बनने का अनुभव पूर्व छात्र शुभम ने हमें बताया, साथ ही संस्थान के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने इस पहल का उद्देश्य बताया। जी जैन सर जो है, मैंने खुद उनके अंदर मार्गदर्शन लिया है, तो हमें तो इस मार्गदर्शन पे कोई डाउट नहीं है कि सबसे बेस्ट मार्गदर्शन मिलता है यहाँ पे। जो भी जितने भी डाउट्स रहते हैं, जितना भी एक ऐसा मतलब कि बड़े बुजुर्ग के टाइप सर ने आज तक हम लोग को समझाया, जैसे उनको रखा है जैसे हमको रखा है, तो मैं समझता हूँ कि इंसान को अगर क्रैक करना है तो सब बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है यहाँ पे नीट यूजी क्रैक करने के लिए। जी टारगेट को अचीव करना है, सबसे पहले उन्हें ये याद रखना चाहिए कि अगर हो सके तो कुछ भी करके अपने ये विश्वास रखना है कि उनका तो सिलेक्शन हो चुका है। पहले तो उनको अपने मन में ये लाना चाहिए, सारे सेल्फ डाउट हटा देने चाहिए। दूसरा ये कि लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम रिजल्ट डालने की कोशिश करनी चाहिए, जितना प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और दूसरा बात यह है कि उन्हें ना सीट के बारे में सोचना चाहिए, ना उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें उन्हें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। और उन्हें ये भी विचार करना चाहिए कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये लाइफ मतलब कि ये सब कुछ इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये सब चीज़ भी उनके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हमें उस ज़माने में सारे के सारे वीडियोस दिखाए जाते थे, इंटरव्यूज़ दिखाए जाते थे कि अपने को कि कैसे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसे, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने कैसे एक्सेल किया अपने लाइफ में, कैसे उन्होंने सक्सेस पाई। मैं समझता हूँ कि यही चीज़ आज भी उन्हें दिखाई जाती है ना, आज भी वो लोग इस चीज़ से सीख रहे हैं, तो कोई भी चेंज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चेंज आया है। आज भी जो लेवल ऑफ जो गाइडेंस है वो आज भी अच्छा मिल रहा है, मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से परिपूर्ण मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जैसे लोग काउंसलिंग करते थे तो मैंने तो ऐसे कहा, अभी तो देखा जाए तो मैंने अभी बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन ऐसे ही रहता था कि सर हमको बुलाते थे, सर हमको जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट जैसे आज मैं आया हूँ
मेरा बहुत मतलब कि मैं उसको भाग्यशाली मानता हूँ कि सर ने मुझे बुलाया, इतना मतलब सर को थैंक्स बोलूँगा मैं। वैसे ही पहले, इससे पहले जो उस समय सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनको बुलाया जाता था, तो वो हमें आके फिर ऐसी गाइडेंस देते थे, और तो वही चीज़ हमारे मन में रहती थी कि हम भी एक दिन आएगा ना, हम भी ऐसी आके लोगों को गाइड कर पाएंगे करके। मतलब आपका वो सपना जो है, जो हाँ वो आप सोच सपना रहे थे, था। पूरा हुआ। मैं मुझे मतलब कि 6 साल पहले मुझे कॉल आया कि आप एक बार आ जाइए करके, मैं फाइनल ईयर में था उस टाइम पे, तो कि एक बार आ जाइए करके, लेकिन मैं कुछ कारणवश मेरी दादी का देहांत हो गया तो मैं फिर आ नहीं पाया था। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर पीजी में हुआ, फिर कोविड में और ये सब के कारण अब टाइम हो गया फिर। लेकिन फिर उसके बाद मैं देखा कि आज समय मिला, मैं आज जाके बता पाऊँ कुछ, अगर मेरे मेरे से अगर कुछ फ़ायदा होता है अगर किसी भी स्टूडेंट को। तो देने जाते थे और टेस्ट देने के समय सर 1000-1200 के लोग रहते थे वहाँ पे, टेस्ट देने के जाते थे, उन्होंने वहाँ पे पकारते थे, टॉप 50 से चालू करते थे। पहले टेस्ट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, टेस्ट चालू होते होते जब जैसे ही उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट में सर टॉप 50 49 ऐसे ऐसे करके बोलने लगे। मैं अपना नाम गिन रहा हूँ, नाम गिन रहा हूँ, मेरा नाम ही नहीं आ रहा है। फिर टॉप 20 में पहुँचे, मैं नाम गिन रहा हूँ, नाम गिन रहा हूँ, नाम ही नहीं आ रहा है। टॉप 10 पहुँच गया, टॉप 10, टॉप 5 में पहुँच गया। अब ऐसे लगा कि सर लगता है मैंने तो पेपर ही गलत बनाया करके पूरा का पूरा। फिर अचानक से सर ने बोला एंड द टॉपर शुभम सागर कर। वो फीलिंग जो आप जैसा जब भी ऐसे बात करते किसी को एंड द टॉपर किसी का नाम लेते, तो वो खुशी जो मन में आती है सर के नाम लेने से, आप अपने आप में वो किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करती है। जैसे यहाँ पे होर्डिंग लगाए जाते थे कि इस टेस्ट में कौन फर्स्ट आया, इस टेस्ट में कौन फर्स्ट आया, उसके होर्डिंग लगाते थे। मेरे कितने टीचर्स, मेरे कितने जो क्या कहते हैं पड़ोसी, उन्होंने देखा कि अरे यार इनका नाम लगा है, इनका नंबर मतलब ऐसे सिलेक्शन मतलब ये आता है, नंबर आता है टेस्ट में फर्स्ट आते करके। तो बहुत खुशी होती थी मुझे उस टाइम पे, मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट करने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर को। देखिए, आज टेस्ट सीरीज के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा बच्चा डॉक्टर शुभम साकरकर, जो 2014 बैच का सिलेक्शन है, आज चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित है। डॉक्टर शुभम साकरकर ने 2014 में सिलेक्शन लिया और एम्स रायपुर से इन्होंने MBBS किया और फिर MS कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है, हम अपने पुराने बच्चों को जब मुख्य अतिथि बनाते हैं और वो मुख्य अतिथि के रूप में इन बच्चों को समझाते हैं, सलाह देते हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी क्रॉस रोड्स पे हैं, जिनको अभी एग्ज़ाम देना है, तो बहुत अच्छी सलाह मिलती है इन बच्चों को। देखिए, एग्ज़ाम में बच्चे पूरी तैयारी में हैं सब, अब 1 महीना बचा है और वो सब रिवीजन 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 में लगे हुए हैं। जो बच्चे लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है जो सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन नहीं होने का तो कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम तक के बीच पहुंचने में बहुत सी चीज़ें होती हैं। अभी मैं बच्चों से यही बात करना चाहता हूं कि मान कर चलो कि तुम सेलेक्ट हो, क्योंकि जब तुम पॉजिटिव माइंडसेट से मान के चलोगे कि तुम सेलेक्ट हो, तो तुम्हारे एटीट्यूड, तुम्हारे जो तरीका है सोचने का, वो वैसे ही हो जाएगा। तो अभी की पूरी जो बैच है वो अपने तैयारी में लगी है, उम्मीद है कि इनको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, भविष्य में इनको ऊंचाइयाँ मिलनी चाहिए। यहाँ का अगर पढ़ाई लेवल का बात करें तो बहुत अच्छा है सर। अभी टेस्ट सीरीज़ पूरा हमारे प्रैक्टिस के लिए चल रहा है और यहाँ के जितने भी फैकल्टीज हैं बहुत अच्छे, हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं और हमें मोटिवेट करते रहते हैं हर संडे। तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, जैसे अभी 1 महीना बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो बाहर से चीफ गेस्ट जो आते हैं हमें हेल्थ के लिए बहुत सारे सजेशन देते हैं, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छा हो रहा है और सबसे अच्छा तो अभी टेस्ट सीरीज जो होता है हर संडे, उसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसमें बहुत हेल्प मिल रहा है टेस्ट सीरीज़ के कारण, उनका मार्गदर्शन भी हमारे लिए बहुत काम आता है। हर संडे आते हैं नए नए गेस्ट और हमको काउंसलिंग देते हैं, बताते हैं कैसे एग्ज़ाम देना है और कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में सब बताते हैं। NEET UG की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे, और डॉक्टर बनना है ऑब्वियसली, और आगे चल के तो बहुत सारे सपने हैं बट वो आगे चल के पूरे होंगे, अभी तो मेन एम नीट का ही है। जी, सच तो है, बहुत हद तक सच है, क्योंकि यहाँ आने के पहले जो मेरी गाइडेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर थी, बहुत सारी चीज़ें ब्लर में चलती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कुछ क्लियर हो गया, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानने को मिली, सारे सब्जेक्ट्स के जितने डाउट्स हुआ करते थे वो सब अच्छे से क्लियर होते थे यहाँ पर।
सर पहली बात तो बहुत ही पुराना कोचिंग है और बाकी कोचिंग अभी बहुत न्यू खुली है, तो मुझे नहीं लगता कि उतने अच्छे से गाइडेंस वहाँ मिल पाएगी जैसा यहाँ पे मिलेगा। यस सर, आज जब सर हम लोग को मिलवाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ से पढ़े हुए जो भी स्टूडेंट्स थे वो आज बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में या तो प्रोफेसर हैं या फिर मेडिसिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे पोस्ट में भी हैं। बहुत काम आते हैं सर, हमको रिवीजन पैटर्न वगैरह बताते हैं और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये सारी चीज़ें हमको बताते हैं। साप्ताहिक टेस्ट श्रृंखला मील का पत्थर साबित होती है। बच्चे अपने आप को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार इस टेस्ट के माध्यम से करते हैं, साथ ही सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।